बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आवाहन का हुआ असर, अब मुरादाबाद नहीं माधव नगर के लगने लगे पोस्टर और बैनर। विगत 18, 19 और 20 मार्च को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कथा के दौरान मुरादाबाद का नाम बदलने का किया था आवाहन और माधव नगर रखा था नाम। हिंदू नववर्ष के अवसर पर जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए हिंदू संगठन से जुड़े आदित्य भटनागर ने शहर के प्रमुख चौराहों पर लगवाए हैं माधव नगर लिखे फ्लेक्सी और बोर्ड। आदित्य भटनागर का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के आवाहन पर माधव नगर किया गया है नाम। 500 साल के कलंक को धोने की एक शुरुआत हुई है। बागेश्वर सरकार के आदेश पर ही इस पहल की हुई है शुरुआत। आदित्य भटनागर, हम किसी संगठन से नहीं है, हम हिंदू समाज के एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ये बड़े ही गौरवशाली विषय है कि 18, 19 और 20 मार्च को बागेश्वर धाम सरकार जो मुरादाबाद महानगर में आए थे, उन्होंने मुरादाबाद का नाम माधव नगर जो है किया है। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि जो 500 साल का जो कलंक है, ये हिंदू समाज पे मुरादाबाद का नाम, ये मुराद के नाम पे ये कलंक दूर हुआ है। और इस नाम को मुरादाबाद हटा के माधव नगर जो किया है, ये बागेश्वर सरकार के आदेश पर, उनकी जो बात बोलने पर आज मैंने ये छोटी सी एक फ्लेक्सी लगाई है और सभी क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष की बधाई एवं शुभकामना दी है। ये शहर में बड़ी सहयोग हमारी फ्लेक्सी मुरादाबाद महानगर के अंदर लगने जा रही है, माधव नगर के अंदर ये। इस पे ये कहना चाहेंगे कि आने वाले समय मुरादाबाद महानगर माधव नगर होना है, निश्चित है ये बात, ये माधव नगर होगा। जी, उनका जो आदेश था वो बोल के गए थे, जब मैं अगली बार आऊँ जब तक ये मुरादाबाद माधव नगर हो जाना चाहिए। तो हमने एक छोटी सी पहल की है अपने चित्र लगवा के पूरे महानगर में कि मुरादाबाद अब मुरादाबाद नहीं, अब माधव नगर हो चुका है।